हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम, पूनम्स इंडियन किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं न्यू स्टाइल बिल्कुल आपके लिए एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि एग और टमाटो से बनेगी। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ये थोड़ा सा पिज्जा स्टाइल में भी है, ऑमलेट स्टाइल में भी है, और आप इसे एक एक बाइट में इसके आप टेस्ट ही टेस्ट फील करेंगे। तो इसके लिए मैंने 3 एग लिए हैं और 3 ही टमाटो लिए हैं। तो टमाटो की मैं अभी हम स्लाइसेस कर लेंगे। अब हमने टमाटो की इस तरह से स्लाइसेस कर ली हैं, ये देखिएगा, थोड़ा सा मोटी सी, जैसे हम सैलेड के लिए करते हैं, और चीज़ को ग्रेट कर लिया है, ये देखिए। पैन को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है और इसमें 1 टीस्पून बटर यूज़ करेंगे। बटर का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें, और बटर जल जाता है थोड़ी देर में, जलने लगता है, तो उसको बचाने के लिए हम उसमें 1 टीस्पून ऑयल इसी में डाल देंगे, जिससे जलेगा नहीं। देखिए, बटर मेल्ट हो गया है पैन में। इस तरीके से पूरा फैला लेंगे पैन में इसको, और जो हमने टमाटो के स्लाइसेस से कट किए हैं उनको इस तरीके से हम इसका एक बेस बनाएंगे। इस तरीके से हमने इसको फैला दिया है पूरा, और इसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट हम डालेंगे और 2 मिनट इसको पकाएंगे। ये देखिए, इस तरह से सॉल्ट इसमें स्प्रिंकल करना है, ज्यादा नहीं डालना, हर एक स्लाइस के ऊपर थोड़ा थोड़ा। ये 2 मिनट हो गया है, तो इसकी हम साइड चेंज कर देंगे टमाटो की। इस तरीके से देखिए, थोड़ा थोड़ा पक गया है, इस तरीके से इसको पलट लिया है। ये देखिए, मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है सब, और इसको भी 2 मिनट पकाएंगे। ये एक को मैंने फोड़कर एक बाउल में ले लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके, और इसमें 1/2 टीस्पून से भी कम, 1/4 ही आप इसमें सॉल्ट मिक्स कर दीजिएगा, और अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। अब देखिए, इसमें एक को हम पूरा, जैसे ऑमलेट नहीं फैलाते हैं, पूरे में इस तरह से डाल देंगे अच्छे से। 1 pinch चिली पाउडर इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे, स्प्रिंकल करना है बस थोड़ा थोड़ा, और थोड़े से मैंने स्प्रिंग ओनियन कट के रखे हैं इस तरह से, देखिए बारीक बारीक, बहुत अच्छा कलर भी आएगा और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आएगा। इस टाइम पे गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा, और कुछ कैप्सिकम मैंने बारीक चॉप किए हैं, ये देखिए, इसको भी इसी तरीके से हम डाल देंगे इस पर, और कुछ कैरेट चॉप किया है, कैरेट को भी इसमें डाल देंगे ऐसे, और इसको 2 मिनट पकने देंगे। अब इसमें चीज डाल देंगे, चीज को भी ऐसे आप पूरा कवर करके, जैसे ऑमलेट को ना कवर करना है हमें, ये बहुत अच्छा चीजी चीजी टेस्ट आएगा भाई, बहुत अच्छा पसंद आएगा बच्चों को, और इसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए, जिससे कि ऊपर से पक जाए। ये 2 मिनट हो गया है, तो ये देखिए, चीज़ हल्की हल्की मेल्ट होना ही स्टार्ट हो गई है। इसमें फिर ऊपर से हम कुछ और वेजिटेबल्स, ये स्प्रिंग ओनियन थोड़े से और हमने इसमें डाले हैं, और थोड़ा सा कैप्सिकम फिर से एक बार चीज़ के ऊपर से दिखेगा, और कैरेट्स, ये देखिए, इस तरीके के कैरेट को ऐड कर देंगे, और इसकी लिड बंद कर देंगे 5 मिनट के लिए, इसी तरह से क्लोज कर देंगे। देखिए, 5 मिनट हो गया है पूरा, इसको कितना अच्छा फूल कर ये रेडी हो गया है। तो इस पर हम थोड़ा सा ऑर्गेनो डालेंगे, स्प्रिंकल करेंगे, अगर ये आपके पास है तो आप इसको डालिएगा, नहीं तो ये ऑप्शनल है। 1 pinch ब्लैक पेपर, और बस ये रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए, हमने ये प्लेट में निकाल लिया, कितना कलरफुल ब्रेकफास्ट हमने फटाफट रेडी किया, और इसको पकाने में सिर्फ 5 मिनट लगा है। अब इसमें चीज़ भी है, इस तरह से हम जैसे पिज़्ज़ा के स्लाइसेस करते हैं उसी तरीके से इसके भी हम कर लेंगे, ये देखिए। ये देखिए, मैंने एक पीस कट करके आपको दिखाया है, और इसको आप ऐसे ही चाय के साथ खाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। अगर ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मैं आपके लिए नई नई रेसिपी